हरिमंदर साहिब गुरुद्वारा से पंच प्यारे की अगुवाई में ये प्रभात फेरी निकाली गई, जो कि अशोक राजपथ होते हुए मोर्चा रोड पटना साहिब स्टेशन सिटी चौक का भ्रमण करते हुए हरिमंदर साहिब पहुंचे। प्रभात फेरी में बैंड बाजे, हाथी घोड़े और पंजाब से आए कर्तव्य दिखाने वाले लोगों के अलावा हजारों की संख्या में महिला और पुरुष सिख श्रद्धालु गुरु कीर्तन के साथ शामिल हुए। हजारों की संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। ये प्रभात फेरी आज आखिरी दिन निकाली गई। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह आज 350वें गुरुपर्व के मौके पर पटना सिटी गुरुद्वारा पहुंचे, जहां पर उन्होंने मत्था टेका। उनके साथ उनकी पत्नी, पूर्व केंद्रीय मंत्री शकील अहमद और बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी भी थे। गुरुद्वारे में मत्था टेकने के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जमकर तारीफ की। बहुत ही अच्छा लग रहा है, मैं तो बहुत दिनों के बाद आया हूँ और ये तो हमारी खालसा पंथ की शुरुआत ही यहाँ से ही हुई थी, तो बहुत खुशी हुई है, दिल भरा हुआ है इसको। यहाँ सरकार की व्यवस्था कैसी लगी आपको? बहुत ज्यादा, जो आपके चीफ मिनिस्टर साहब ने और इनकी सरकार ने इतना सजाया पटना साहब, ये हम बहुत बहुत खुशी हुई है देख के। आपने क्या मांगा? पंजाब इलेक्शन है, क्या कुछ था? मैं तो कुछ नहीं मांगता, हर सरबत का भला ही चाहते हैं कि सब लोग खुशी रहें, हमारा देश सुखी रहे, आपका यहाँ बिहार सुखी रहे, पंजाब सुखी रहे, यही हम अरदास करते हैं। मेरा ख्याल जिन्ना मैं देखे पटना सजाया हुआ है, आपके चीफ मिनिस्टर साहब ने बहुत काम किया है और हम बहुत सारे ही बहुत खुशी हैं जिस तरीके से यहाँ काम हुआ है। मैंने इतना बार तो पंजाब में भी देखा, दरबार साहब में होता है वहाँ और गुरुद्वारे साहब में होता है, लेकिन यहाँ तो गवर्नमेंट की बिल्डिंग भी सजाई हुई है, तो ये तो बहुत अच्छा काम किया नीतीश जी ने। पहले भी आए थे, बिहारी के हैसियत से हम लोगों ने नीतीश जी को धन्यवाद दिया है, बिहार सरकार को धन्यवाद दिया है, इन लोगों का स्वागत किया है कि इस अवसर पर आकर के सब लोगों ने बिहार का मान सम्मान बढ़ाया है, एक पवित्र काम में बिहार को भागीदार बनाया है। और पटना साहिब से हमारे सहयोगी अमित हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे और ज्यादा जानकारी लेते हैं। अमित, किस तरह की व्यवस्थाएं आप देख रहे हैं? आज प्रभात फेरी निकाली गई थी, आखिरी दिन था, और किस तरह से वहां पर श्रद्धालु उमड़े हुए हैं, कितनी खुशी उनमें नजर आ रही? बिल्कुल, देखिए यहाँ पे पूरे तरीके से कहा जाए तो भक्तिपूर्ण माहौल देखने को मिल रहा है। बड़े तादाद में जो श्रद्धालु हैं या फिर आम जो लोग हैं वो भी यहाँ आ रहे हैं, लोगों का तांता जो है वो टूटने का नाम नहीं ले रहा है। अगर हम कहा जाए तो इस भीड़ को जनसैलाब तो वो कम नहीं होगा, आप देख सकती हैं, दर्शकों को भी देख सकते हैं कि यहाँ पे किस तरह से जो बड़े तादाद में जो लोग हैं वो लगातार आ रहे हैं। चाहे हम बात के दिन की 4 बजे की बात कर ले, अभी दिन के तकरीबन 12 बजे से ऊपर का वक्त हो चुका है, तो इसी तरह से जो लोगों का आने का सिलसिला है वो लगातार चल रहा है। लोग आ रहे हैं, गुरु गोविंद सिंह के जो स्थल है वहाँ पे मत्था टेक रहे हैं, अपनी मुरादें मांग रहे हैं, कामना कर रहे हैं, और इसी बीच कई वीवीआईपी जो है वो भी यहाँ पे आए हैं। थोड़ी देर पहले ही कैप्टन अमरिंदर सिंह जो है पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री वो यहाँ आए थे, उन्होंने भी कामना की है। हालांकि कामना क्या उन्होंने मांगी वो खुल करके तो नहीं बोले, इतना जरूर कहा कि बिहार के देश के साथ साथ पंजाब की भी में भी सुख समृद्धि रहे, इसको लेकर के उन्होंने कामना की है। उसके अलावा इतर हम बात कर ले तो यहाँ पे देश विदेश से भी कई ऐसे परिवार आ रहे हैं जो पहली दफा गुरुद्वारा आए हैं और यहाँ की रौनक देख करके उनका मन मुग्ध हो चुका है। राज्य सरकार की लगातार तारीफ हो रही है यहाँ पे, और कहा जाए तो जो व्यवस्था की गई है वो भी अद्भुत व्यवस्था यहाँ पे देखने को मिल रही है। अगर हम शासन प्रशासन के स्तर पर भी बात कर ले तो यहाँ पे व्यापक इंतजाम किए गए हैं, चप्पे चप्पे पे पुलिसकर्मियों की तैनाती की है, सुरक्षा के दृष्टिकोण से सारी तैयारियां जो की गई थी वो मुकम्मल साबित हो रही है। इसके अलावा हम एक बार फिर से दर्शकों को दिखाना चाहेंगे, ये नजारा देख सकती है कि यहाँ चाहे हम प्रवेश द्वार से बात कर ले, अंदर गुरुद्वारे के जो सभा स्थल है वहां तक लोगों का जो ताता है वो लगा हुआ है। सभी जो लोग हैं यहाँ आ रहे हैं अपनी मन की मुराद मांग रहे हैं, क्योंकि बहुत बड़ा आयोजन है ये समारोह जो है वो फिर 25 साल के बाद आएगा, जब 375वां गुरु प्रकाश पर्व होगा तब आएगा, तो ऐसे में कोई भी नहीं चाहता है कि इस प्रकाश उत्सव पर से वो असूता रह जाए, उस वो इसमें शामिल न हो, तो सभी की हार्दिक इच्छा हो रही है। लोगों की आस्था यहाँ पर साफ देखी जा सकती है। हमें तस्वीरों में
दिखाई दे रही है आस्था और व्यापक इंतजाम जैसा कि आप बता रहे हैं यहाँ पर किया गया। आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, आपके पास वापस लौटेंगे। तो 350वें प्रकाश उत्सव पर देश विदेश से यहाँ पर श्रद्धालु पटना पहुंच रहे हैं और गुरु गोविंद सिंह के दरबार में मत्था टेक रहे हैं। ऐसे ही एक परिवार से बात की जी मीडिया संवाददाता अमित कुमार। 350वें गुरु पर्व में दूर दराज से लोग आ रहे हैं, देश विदेश से भी श्रद्धालु आ रहे हैं। हमारे साथ एक ऐसा परिवार है जो गुरु गोविंद सिंह के दरबार में मत्था टेकने आया है, इनसे जानते हैं। सर, आप यहाँ पे आए, आपने क्या देखा, गुरु जी से आपने क्या मुराद की? हमने गुरु जी से मुराद की कि ये जो सात संगत आई है, इतनी खुशी, इतने पर्व जो मनाए जा रहे हैं, ये 350 साल जो कि हमारे लाइफ में, मतलब आज हमारी उम्र जो भी 40 साल हो गई है, हम शायद दोबारा नहीं देख पाएंगे। ये संगत ने जो ये नज़ारा देखा है, ये मिनी पंजाब बन गया है। इसमें सभी का बहुत सहयोग है, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का सहयोग है, नीतीश कुमार जी का भी बहुत सहयोग है। आपके पंजाब के मुख्यमंत्री भी आए थे, उन्होंने भी काफी तारीफ की इस गुरु पर्व की। आप अपने परिवार के लिए, अन्य लोगों के लिए क्या कामना की है? हम यही सोचते हैं कि सब जो भी हर साल इसी तरह से रौनक रहे, हर साल इसी तरह से रौनक रहे पटना में। बहुत अच्छा लग रहा है, इतना अच्छा कीर्तन दरबार और इतने अच्छे रागी बाहर से आए हुए हैं, वो भी बहुत मजा आ रहा है कीर्तन सुनने का भी। तुम बताओ बाबू, क्या मुझे एक सिख होते हुए बहुत प्राउड हो रहा है क्योंकि पूरे वर्ल्ड वाइड से लोग आ रहे हैं ये बस इस गुरुद्वारे को देखने के लिए, और बहुत अच्छा भी बन गया है गुरुद्वारा। और ये गुरु के जन्म स्थान है, तो फिर हमें प्राउड होना चाहिए कि हम यहाँ पे रह रहे हैं। बिल्कुल, देखिए ये बहुत छोटा बच्चा है, लेकिन बहुत ही बड़ी बात इसने की रही है कि आज इसे प्राउड हो रहा है सिख होने पे। और जो इन लोगों ने कहा है कि जो व्यवस्था यहाँ पे की गई है वो अद्भुत है, और इसके लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को तहे दिल से ये लोग शुक्रिया भी कर रहे हैं। कैमरा पर्सन सिंधु मनीष के साथ अमित कुमार, जी मीडिया पटना। तो हमारे सहयोगी अमित की आपने रिपोर्ट भी देखी और अमित हमें जानकारी भी दे रहे थे कि किस तरह से लोगों का तांता यहां पर लगा हुआ है, श्रद्धा लोगों की देखने को मिल रही है, लोग मत्था टेकने पहुंच रहे हैं। बहुत शुक्रिया अमित जुड़ने के लिए और जानकारियां भी साझा करने के लिए। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।